दोस्तों स्वागत है आपका ग्रेवयार्ड में और हम खेल रहे हैं ये पार्ट 7 ऑफ फ्रंट लाइन फ्यूल्स ऑफ वॉर। तो इधर ये बता रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्स गिरने वाला है और जो गिर चुका है अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। देख लो भाई न्यूक्लियर वेपन गिरता है तो क्या हाल होता है। कैमरा बंद हो गया है बिल्कुल। ये बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन जो होता है वो हमें बहुत ही दूर से दिखाई दे रहा है और हमको इस बार टैंक मिला हुआ है। और ये लेवल बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है इसमें टैंक फाइट होने वाली है। हाँ हम टैंक फाइट में ही हैं, हमें टैंक मिला हुआ है और हमें ये सारे जितने भी टारगेट्स आप देख रहे हो 4 टारगेट्स उसे डिस्ट्रॉय करना है। इसमें डिले टाइम बहुत हो जाता है, जैसे हम एक तोप का गोला छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास टाइम रहता है रिकॉइलिंग टाइम जब एक गोला फिर से रिलोड होता है एंड देन फिर छोड़ा जाता है। तो जो पहले हमने वेपन यूज़ किया था वो ऐसा नहीं है कि जिसमें एक एक सेकंड में हम गोला छोड़ सकते हैं या शेल छोड़ सकते हैं। लेकिन ये काफी मजेदार है क्योंकि टैंक फाइट तो होती है अच्छी है। पहले हम लोग जब ये पीसी गेम्स नहीं हुआ करते थे या PS4 नहीं हुआ करते थे तो हम लोग टैंक गेम खेलते थे बहुत, जो वो कार्टेज वाला होता है ना, टीवी वाले गेम्स जो होते हैं। आज हम रियल में खेल रहे हैं वो चीज़। कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जैसे पीछे से जाके। हाँ हम अभी पीछे से ही हैं, अब वो हमें मारेगा, हमें कवर लेना पड़ेगा क्योंकि हम इसके स्ट्रेट निशाने पे हैं, टारगेट पे हैं। हम इसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं एक टैंक को, अब दूसरे पे अटैक करते हैं। ये देखो दूसरा भी हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, मे बी उसका आर्मर वीक होगा, 4-5 शेल ऑलरेडी वो खा चुका होगा तो हमारे एक ही शेल से ख़त्म हो गया। अब हमारे 2 टारगेट हैं फिलहाल, एक तो इधर लेफ्ट में छुपा हुआ है एक राइट में है। पहले राइट वाले को लेते हैं, ये खतरनाक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, जैसे मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो जाता है टैंक का तो इसमें ऑटोमेटिक रिपेयर्स भी मिलने लगता है। ये भी गया, हमारे पास एक टैंक बाकी है, इसको थोड़ा तसल्ली से लेंगे। मारो छुप जाओ, ये भी गया। तो हमने 4 टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो हमें, आप राइट में टॉप राइट में देखोगे तो हमें रिपेयर्स मिल रहे हैं, जितना भी हमारा डिस्ट्रक्शन या जो भी हार्म हुआ था वो रिकवर हो जाता है धीरे धीरे। ये तो अपना बंदा है भाई, इसको मारते हैं पहले। ले गोली खा, 2 गोली लग चुकी है इसको। ये तीसरा खत्म हो गया क्या? लग तो रहा है अपनी पुंगी बजने वाली है। इसको मारना है यार पहले, ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। ये छुटंका लाल जो है ना, ये तो गया।
जो थोड़े लाइट वेट वाले होते हैं ना, वो काफी एक्टिव और काफी तेज भागते हैं, तो उनको जल्दी से आप जो है स्ट्राइक नहीं कर पाते हो। अब इसने इतना अच्छा कवर लिया हुआ है, जिसको मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ, मुझे लगता है उसको पीछे की तरफ से कवर करना होगा, क्योंकि उस पर मैं अगर शेल मार भी रहा हूँ तो भी उस पर लगने वाला नहीं है। और उस पर मैं ही नहीं, एक और टैंक लगे हुए हैं। अब मुझे पीछे की तरफ से उसको थोड़ा देखना पड़ेगा तरीके से। अब देखो, दो दो टैंक आ रहे हैं इधर। ये टैंक तो बिल्कुल ओपन में है अब। अब उसको अच्छा खासा हार्म दे सकते हैं हम, बट फिर इधर हमें भी काफी झेलना पड़ रहा है। तो इसमें यही तरीका है, मारो और फिर छुप जाओ। हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, बट हमने एक को फिर भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें अभी थोड़ी देर में रिपेयर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हो आप टॉप में, राइट में हमें रिपेयर रिसीव हो रहे हैं। तो ये जितनी भी टैंक में आग लगी हुई है या डिस्ट्रक्शन हो रखा है, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। देखो, अब हम ठीक हो चुके हैं, हमारी टैंक की जितनी भी ये रिपेयर्स हो चुकी हैं। तो इधर टैंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक वेव खत्म होता है, दूसरे वेव में और टैंक आ जाते हैं। बट देखते हैं टैंक के बाद क्या हमें स्पेशल मिलेगी, एबिलिटीज या जो भी। ये इधर एक टैंक छुपा हुआ है कोई, इसको तो हमने ले लिए, खोपचे में ले लिया इसको। वो भाई ये बहुत डिस्ट्रक्शन कर रहा है, इसको थोड़ा निकल। ओ माय गॉड, छुप के भाई, छुप के। ये तो ले लेगा अपनी, इसने बहुत डिस्ट्रक्शन कर दी अपनी, भागना पड़ेगा। वो रिपेयर्स तो मिलने लगे हमें, थोड़ी देर और मैं रुकता उधर तो मेरा तो बाजा बज जाता। फिर लगा, उसमें भी लग गया है, उसको भी हम काफी डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं। ये उड़ गया, उड़ा दिया उसको। लास्ट वाले टैंक को भी खत्म कर दिया। अब चार टैंक और हैं, अभी चार पांच हैं। इसमें एक लाइट वेट भी है जो बहुत तेजी से एक्टिव है। पहले लाइट वेट वाले को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं से भी रॉकेट छोड़ देता है एंड देन फिर मूव हो जाता है। तो जैसे आप सामने देख रहे हो, वो लाइट वेट वाला है एक, जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। देखो, उसने छोड़ा एक रॉकेट हमारे ऊपर, उसको पीछे से लेना पड़ेगा। छुप छुपा के जाएंगे, उसके पीछे की तरफ से जाएंगे और बूम। इधर कुछ बात बनती भी दिखाई नहीं दे रही। जैसे ये तो गया, एक टैंक की तो बैंड बजा डाली। अब हम, ये बहुत कुछ ज़्यादा ही सामने पड़ रहा है, तो हम थोड़ा राइट की तरफ से जाते हैं, छुपते छुपाते, ताकि हमें कवर मिल पाए। ये छुटंका वाला बड़ा खतरनाक है,
देख रहे हो इसकी स्पीड, देखो आप, जब तक मैं शेल छोड़ता हूँ वो उस जगह को, लोकेशन को मूव हो जाता है, छोड़ चुका होता है। तो इसको डिस्ट्रॉय करना काफी दिक्कत वाली बात है। और चूंकि इधर जो है दो दो टैंक हैं, तो अकेले टैंक से दो को मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले इसको इसकी ऐसी तैसी करते हैं। ये तो छुप गया, अब उसको पता लग गया। अच्छा, उसको छुटंके वाले को हमने अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन किया है, अब तो वो गया। अब एक वो बच रहा है छुपा हुआ सा। ये यार बहुत मार रहा है, इसको तो खत्म करना पड़ेगा। भाई कुछ लग जाओ यार, खत्म करो कहानी, ये तो मरने का नाम नहीं ले रहा। कौन सा आर्मर है भाई इसका? गया, चलो एक एक शील्ड हटी बीच से, दूसरा भी गया, दो बचे हुए हैं अभी। पहले राइट वाले को ले लें क्या, क्योंकि उधर तो है हमारे दूसरे टैंक। इसको लेते हैं छुप छुप के। यार इसने तो मार दिया, बड़ा एक्टिव बनना है। तुम तो गए बेटा, गया। तो लास्ट हमारा टैंक बचा हुआ है एक उधर, उसको हम लेते हैं। और शायद उधर एक कोई लाइट वेट व्हीकल भी है। उधर तक तो पहुंच गया, वो उसका एक सेफ गार्ड या कवर दे रहा था उसको व्हीकल। बेटा तुम तो जाओगे तसल्ली से। गया, तो सारे टैंक क्लियर कर चुके हैं हम। अच्छा, ये वो लॉन्च साइट्स हैं जहां पे आर्टिलरी यूज किया हुआ है उन्होंने, और वो आर्टिलरी जो है वो उधर से फायर करते हैं। तो हमें ये आर्टिलरी, जितनी भी आर्टिलरी है उनको हटाना पड़ेगा। अब वो हमारे टारगेट हैं। ये आप देखोगे ना, ये सारे देखो आप, ये तो लॉन्चर है, बट आप देखोगे तो ऊपर से आर्टिलरी अभी शेलिंग होगी। ये आ गए एक टैंक बाबूजी, इनकी तो मट्टी पलट करनी पड़ेगी। ये तो गया, ये तो ऐसे इन सर्कल कर रहा है कि ये जाएगा, ये मेरे फ्रंट में पड़ रहा है बिल्कुल। ये कौन है? ओ भाई, इतना पास कैसे आ गए भैया तुम? भाई इसको कोई देख लो यार, हेल्प करो। चलो एक टैंक तो और आ गया मेरे पास, अब तो तुम जाओगे बेटा। ये गया, इसको तो घेर के मारा हमने। अब ये देखो आर्टिलरी शेलिंग हो रही है उधर से।
तो हमें आर्टिलरी, जितने भी टारगेट्स हैं आर्टिलरी वाले बंकर्स हैं, वो सारे को डिस्ट्रॉय करना है। ये चल गई अपनी मशीन गन। आ जाओ भाई आ जाओ, कौन कौन है देख लेते हैं। हल्के में ले रहे हो तुम लोग? ये देखो रॉकेट लॉन्चर, ये कुछ पता नहीं होता, ये बंदे एक मरता है दूसरा रॉकेट लॉन्चर से फिर मारने लगता है। उतरना पड़ेगा लग रहा है, ऐसे बात नहीं बनने वाली। ये पीछे से भी अपने आप मार रहे हैं हमें, दो तरफ से फाइट में फंस चुके हैं। पहले तो इसको ऐसी तैसी करें, अब आगे वाली चीजें देखते हैं। अब इन भैया लोगों को देख लेते हैं। आ जाओ भाई कोई हेल्प करने के लिए, मैं तो अंदर जा चुका हूँ, तुम लोग आओ हेल्प के लिए। इसने तो ले ली मेरी भाई, छुपना पड़ेगा। ओ हार्ट बीट देखो कितनी तेज हो गई थी, लटकने ही वाला था। यानी तुम तो जाओगे बेटा, इसको भी मारना पड़ेगा। स्नाइपर नहीं है इसमें हमारे पास, ये हेलमेट पता नहीं कैसे उड़ उड़ जाता है इतना ऊंचा। आओ बेटा देखो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। कोई नहीं है इधर, गलत जगह मैंने बुलेट चला दी, ब्लास्ट हो गया। थोड़ी सी भी हेल्थ डाउन होती तो अभी जाता मैं। अब अपने को रॉकेट लॉन्चर मिल चुका है, अब वो है सामने दिख रहा है आर्टिलरी है बंकर, उसको डिस्ट्रॉय करना है। और उस बंकर को वो बचाने की कोशिश कर रहा है बट बचा नहीं पाएगा। ये पहला आर्टिलरी बंकर तो डिस्ट्रॉय हो गया, ये क्या हुआ? वाह इतनी ऊंचाई से कूदा मैं और गिरा नहीं। कौन कर रहा है भैया इधर तमाशा? चलो हमारे पास हेलीकॉप्टर आ गया। ड्रोन हेलीकॉप्टर अभी हमारे पास तीन बंकर है ऑलरेडी बचे हुए हैं, जो जिनको हमें डिस्ट्रॉय करना है। अब इधर का तो मामला पूरा साफ है, क्लियर है। तो अब हम एक टैंक लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। इस एरिया को पहले कैप्चर कर लेना चाहिए ताकि हमारे पास टैंक का जो एक हो जाए ना, प्रोडक्शन फैसिलिटी हो जाए इधर। तो इधर मुझे उतरना पड़ेगा।
ये हुई ना बात। आ जाओ, आते रहो बस बेटा, तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हूँ मैं। ये अपना आदमी है, ये तो अपना ही है। तुम्हारी ऐसी तैसी, छुपके मारोगे अब तुम? ये लो, एक एक गोला डालते रहो इनके बीच में, बस खत्म है ये। इधर भी एक डालना है, ये लो। कोई है कि गए सब? अब उतरना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो भैया? मर गया ही जिंदा है? चलो चल के देखते हैं। थोड़ा इसका भी यूज़ कर ले। अरे यार, ये क्या बात हुई? कुछ रॉकेट्स भी नहीं छोड़ पाया और अपने आप ही फट गए वो। शायद हम उधर उधर हमने वायर जो थे, शायद उससे हमने टकरा दिया, तो इसलिए वो शायद फट गया। देखो ऐसे मारा जाता है, फिर भी नहीं मरा ये, मर गया। मेरी भी ले गया ये बहुत ज़्यादा। आते जाओ भैया, आते जाओ। अब भाग रहे हो तुम? यही होता है जब हम आ जाते हैं ना अपने पे, तो लोग भागने लगते हैं। आ जाओ, ये है आर्टिलरी, इसको उड़ाना है भाई। लेकिन कैसे? आ जाओ। एक, मेरे ख्याल से एक और मारेंगे तो उड़ जाएगा। दो से ज्यादा लॉन्चर का टारगेट सह नहीं सकता। ये देखो भाग रहे हैं फिर, चिंदी चोर। अंदर घुस के मारते हैं, कोई ना कोई तो होगा। कोई नहीं है इधर। इतनी बैंड बजा दी लोगों की। चलो खैर, इधर से हमें आर्टिलरी और वो सब तो मिलेगा, बाकी चीजें। ये अपने लोग तो नहीं है? अब देखो रॉकेट कैसे जाता है। बूम, एक तो गया, एक बचा हुआ है, ये भी गया। नीचे उतरना पड़ेगा भाई, शेलिंग हो रही है बहुत तगड़ी वाली। और मेरे स्क्वाड मेंबर्स सबसे बोले जा रहे हैं कि भैया मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, और मैं उनकी सुन नहीं रहा हूँ। उनको खुंदक आ रही होगी। अपना टैंक उठाते हैं और निकल लेते हैं दूसरे टारगेट के लिए। ऐसे होती है शेलिंग।
आ जाओ जिसमें दम है, आ जाओ। फुल्ली लोडेड हूँ बेटा, तुम्हारी बत्ती गुल करने का टाइम आ गया है। ये लोग मरने का नाम नहीं लेते, इनको मारते रहो मारते रहो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। अब उतरना पड़ेगा। इधर कोई ना कोई तो है छुपा हुआ। तुम्हारी इधर दो दो बंदे हैं। ये तुम गया, ये रॉकेट यार कितना नजदीक था। छुप के ही मारोगे तुम? यार ये मरने का नाम नहीं ले रहा यार, हद हो गई। ऊपर वाली जगह पे जाना पड़ेगा, ये है एक सॉल्यूशन। देखते हैं कहाँ तक छुपा हुआ है। आ जाओ बेटा, तुम्हारी टिंडे भी दिखेंगे मुझे। अरे ये तो हद हो गई यार, ये मरने का नाम नहीं ले रहा। चलो रिपोजिशन करना पड़ेगा, इसको तो ले ही जाऊंगा। इतनी गोली वेस्ट करने के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा वो मैंने रिपोजिशन कर लिया, नहीं तो उसने रॉकेट लॉन्चर मार दिया था। अंदर जाके एक दूसरे को देखूंगा, एक एक की बत्ती गुल करनी है। इधर दो तो इधर लटका दिए मैंने, एक आध तो इधर और भी होगा। इसको भी लटका दिया, एक और बनना है। सारे लॉन्चर वाले हैं। अब एनिमी टैंक्स भी आ गए हैं। ऊपर जाके इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। इतने पास से रॉकेट्स जा रहे हैं। वे बेटा एक और मारना है बस तुम्हारा, ऐसी तैसी। ये भी आर्टिलरी गया, अब तुम्हारी देख लेता हूँ मैं। ये तो आर्मर्ड है, इसको तो लेना पड़ेगा खोपचे में। ये एक बंदा भाग रहा है। चलो अब दूसरे टारगेट को पकड़ते हैं। हाँ भैया आ रहा हूँ मैं, सुन लिया मैंने। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अपना टैंक पड़ा हुआ है आराम से, इधर इसी में जाते हैं नए नवेले टैंक में। और हमारे पास एक टारगेट सामने है, तो शायद थोड़े बहुत बंदे हैं।
अब शेलिंग कितनी कम हो गई है क्योंकि हमने ज़्यादातर आर्टिलरी बंकर्स को जो है डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अब एक बच रहा है बस, उधर से शेलिंग हो ही रही है ऑटोमेटिकली। इधर ही से रॉकेट लॉन्चर कर रहे हैं यूज़, इधर तो शेल मारना ज़रूरी है। पीछे की तरफ से एंट्री लेते हैं, फिर अचानक से इनको ऐसी तैसी करेंगे। ये बात भैया कहाँ भाग रहे हो, आ जाओ तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कैसे कैसे जिगजैग भाग रहा है ये ताकि गोली ना मार पाए, लेकिन मैंने तुझे बख्श दिया। जा आ जाओ, तुम्हारी लंका लगाता हूँ मैं। अरे इधर तो बहुत बंदे हैं भाई, तुम्हारी ऐसी तैसी ले लो, ये लो। एक दो तीन, तीन लौंडों को तो इधर ही मार दिया मैंने। अब ये आर्टिलरी बचा हुआ है बस, तुम शूट करते रहो, मैं आर्टिलरी को ही पहले उड़ाऊंगा। ये खत्म, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं बचती है।